So this binary search tree, which we had 415, 369, and then we had traversed this in preorder, postorder, inorder. Yes or no? Are you all there? Yes, sir. See, this is a traversal. So we had created this tree and then we had traversed it in preorder, inorder, and postorder, right? तो ये ट्री अपन ने बनाए थे ऐसा, तो इसको हाउ विल यू रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? तो एक नोड बनेगा, तो 10 क्या है उस नोड का? अमान डेटा है, डेटा। और फिर ये 10 किसको पॉइंट कर रहा है? लेफ्ट में, लेफ्ट में। हाँ, 7, तो 7 का एड्रेस उसके लेफ्ट में जाएगा। 7 का एड्रेस कितना है? 2000। तो उसके लेफ्ट में क्या रहेगा? 7 का एड्रेस। राइट में किसको पॉइंट कर रहा है? 10। सर वो जरा वो एक बार वो कैसे जाते आगे वो बताओ जरा सर। कौन सा? DLR सर। सर वो एक इन ऑर्डर का एक एग्जांपल बताओ ना। हाँ, पहले अपन क्रिएट, पहले क्रिएट कर लेंगे फिर उस पे जाएंगे, ठीक है? तो अभी 10 के राइट में कौन है? सर, तो 10 के अंदर राइट वाले नोड में किसका एड्रेस रहेगा? 15 का, 5000, है ना? ओके, अभी 7 के लेफ्ट में कौन है? 4। तो 7 के लेफ्ट में किसका एड्रेस रहेगा? 4 का। 4 का एड्रेस कितना है? 4000। तो यहाँ 4000 रहेगा। 7 के राइट में कौन है? 8। तो 7 के राइट में किसका एड्रेस रहेगा? 8 का। 8 का एड्रेस कितना है? 3000। तो 3000 रहेगा। 15 के लेफ्ट राइट में कौन है? कोई नहीं है, तो नल नल है, ठीक है? और जो पहला होता है नोड उसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं उसको? रूट। रूट, ठीक है। तो ये अपना रूट क्या है? 10 है। अगर रूट ही नल हो तो, अगर रूट ही नहीं हो तो ट्री बनेगी क्या? नहीं बनेगी सर। तो इसके लिए अगर रूट नल हो तो बोलेंगे ट्री डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? ओके, अभी अपने क्या करना है? एक फंक्शन है इसमें गेट बीएसटी। क्या फंक्शन है बीएसटी? वो क्या करेगा? मैलॉक से एक नोड लेगा। क्या लेगा मैलॉक से? मैलॉक करके एक नोड का स्पेस डायनामिकली एलोकेट करेगा, ठीक है? और उस नोड के लेफ्ट और राइट में नल ऐड करेगा, सेंटर में डेटा ऐड करेगा। ओके, क्या काम है उसका गेट बीएसटी का? हेलो, गेट बीएसटी का काम क्या है सर? मैलोक से मेमोरी लेके सर दो है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं माउस मूव कर रहा हूँ, माउस मूव कर रहा हूँ उधर। देखो क्या काम है उसका सर? एलोट मेमोरी इंसर्ट डेटा लेफ्ट नल राइट नल, ठीक है? तो अभी हम लोग लिखेंगे एक मैन्यूअल ड्रिवन प्रोग्राम। फर्स्ट आई विल शो यू द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। मैं आपको पहले प्रोग्राम रन करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है अपने को, ठीक है? तो ये देखो, ये अपना प्रोग्राम है, ये अपना प्रोग्राम है। ओके, हेलो, यस सर। तो अभी ये प्रोग्राम मैं रन करता हूं, तो देखो आप लोग, तो क्या ऑप्शन करना है अपने को? क्रिएट करना है, ट्रैवर्सल करना है, एग्जिट करना है। क्या करना है आपको बोलो? पहले क्रिएट करेंगे ना? यस सर। तो पहले वन दबाएंगे। क्या दबाएंगे? वन। अब पहला नंबर क्या था आपने इसमें ट्रैवर्सल में जब अपन ने क्रिएट किया था? पहला नंबर क्या था? हाँ, 10 था सर। 10 था। अमान तो नंबर नंबर बोलते जा फटाफट। क्या नंबर था? 10। फिर अभी डू यू वॉन्ट टू एड मोर एलिमेंट? 1 फॉर यस, 0 फॉर नो। तो 1। एंटर। नेक्स्ट एलिमेंट क्या था? 7। सॉरी 77 आ गया, चलो कोई बात नहीं। 1 और 0, 1। नेक्स्ट एलिमेंट क्या था? 15। फिर
फिर सर नेक्स्ट एलिमेंट 15 नहीं है, ठीक है ठीक है ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर 1, फिर क्या 6, फिर क्या 1, फिर 9, फिर 1, फिर क्या है 3, ठीक है, अभी नो कर दूंगा ना मैं, नो अभी जीरो कर दूंगा, जीरो मुझे और इंसर्ट नहीं करना है, जीरो एंटर। अभी क्या बोल रहा है, ट्रैवर्सल देखना है आपको, तो 2 पे 2 दबाओ तो ये उसका ट्रैवर्सल रहेगा, इन ऑर्डर उसका ये है, प्री ऑर्डर ये है और पोस्ट ऑर्डर ये है, समझा, और उसका एग्जिट एग्जिट करेंगे तो 3 पे एग्जिट हो जाएगा। अब उसका अपन कोड देखते हैं कि वो कोड कैसा होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसका कोड देखते हैं, ठीक है, तो कोड में कितने हेडर फाइल इंक्लूड किया मैंने, 4 सर, ठीक है, बीएसटी का जो स्ट्रक्चर हो कैसे बनेगा, डेटा और लेफ्ट और राइट, राइट सर, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच क्या है, ये कब यूज करते हैं, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन देते ना तुम्हारा, ये मेलॉक मेलॉक इसी में से यूज, मेलॉक मेलॉक भी आता है इसमें कभी कभी, वो मेलॉक यूज कर सकते हैं अपन इसमें से, इन दो में से कोई भी एक मेलॉक के लिए यूज कर सकते हैं, या निकाल दो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको निकाल दो, ठीक है, नो डोंट माइंड दैट, चलो मेलॉक लिखा है छोड़ दो, ठीक है छोड़ दो फिर। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, सेंट डेटा और लेफ्ट और राइट, ठीक है, और जहां लेफ्ट पॉइंट कर रहा है उधर भी बीएसटी का नोड है, जहां राइट पॉइंट कर रहा है उधर भी बीएसटी का नोड है ना। और अभी ये अपने 4 फंक्शन है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रैवर्सल, ठीक है, और एक इंसर्ट के लिए और एक गेट गेट बीएसटी वाला, ठीक है, ओके। तो इनका मैंने ऊपर लिख दिया मेन के ऊपर, इनको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, क्या बोलते हैं इनको, फंक्शन प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब फंक्शन का नाम, इनपुट क्या लेगा, आउटपुट क्या देगा, फंक्शन का नाम क्या है, इनपुट क्या लेगा, इनपुट क्या लेगा, वो 2 पॉइंटर लेगा इनपुट, क्या लेगा, 2 पॉइंटर लेगा इनपुट के, और आउटपुट देगा कुछ भी नहीं, वॉइड। इन ऑर्डर क्या लेगा इनपुट, सर 2 पॉइंटर क्यों, कंपेयर करने के लिए, कंपेयर कि इसको कहां डालना है, इसके लिए समझो अभी नंबर 8 आया, नंबर 8, ठीक है, तो 8 का एड्रेस कितना है 3000, और वो किससे कंपेयर करते आएगा, तो पहले किससे कंपेयर होगा 8, पहले 8 किससे कंपेयर होगा 1000 ना, 1000 के डेटा से ना, 1000 पहले आप कंपेयर करेंगे 3000 का डेटा और 1000 का डेटा, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है 10 का, तो लेफ्ट में आएंगे, अभी अभी किससे कंपेयर करेंगे 2000 के डेटा को और 3 के डेटा को, छोटा है कि बड़ा है, छोटा बड़ा है ना, बड़ा है। हेलो सोहेल, आपको 8 इंसर्ट करना है, 8 का 2000 छोटा है ना सर, आपको 8 इंसर्ट करना है, 8 8 से कंपेयर कर रहे हैं अपन, ओके, तो 8 कंपेयर करेंगे पहले 10 से, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, फिर कंपेयर करेंगे 7 से, छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है, तो राइट में, तो इसके लिए ये 2 जो नया ऐड होने वाला है वो और रूट, ठीक है, तो इंसर्ट करते वक्त वो 2 लगने वाले अपने को, फिर ये रिकर्सिव ट्रैवर्सल है और ये गेट बीएसटी है, इसका काम क्या है, नोड मेलॉक से नोड लो, डेटा इंसर्ट करो, लेफ्ट राइट नल करो, ठीक है, ओके, फिर ये अपना न्यू नोड आ गया, रूट आ गया और टेम्प आ गया, इनके आगे जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा तुम लोगों को मैं, हाँ सर, वो 28 लाइन नंबर समझो, अरे यार तू बहुत स्लो है, ये मैं बताया ना, मैंने इधर ये क्या है, लोड मेमोरी, ये रहा सर, हाँ, इंसर्ट डेटा लेफ्ट नल राइट, सर ये फंक्शन है क्या, हाँ फंक्शन है, यूजर डिफाइंड, सर यूजर डिफाइंड फंक्शन है, हाँ अपन ने खुद ने बनाएंगे उसको, सारे फंक्शन यूजर डिफाइंड है, सारे फंक्शन यूजर डिफाइंड है, इसमें कौन से फंक्शन पहले से बने बनाए हैं,
इनबिल्ट कोई भी नहीं है, सब हम खुद कोड करने वाले हैं। इसको भी खुद कोड करेंगे, 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 इसको भी खुद कोड करेंगे। And this will return a pointer. This will return a समझा ना, वेरी गुड। अब ये चॉइस और आंसर, तो ये चॉइस है ना, ये चॉइस है 1, 2, 3 किसके लिए? वन के, हाँ, वन फॉर क्रिएट, टू फॉर ट्रैवर्सल, थ्री फॉर एग्जिट। और ये आंसर है 0101 वाला, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू 01? ठीक है, ओके सर। ओके, फिर जहां जहां अपने को लगेगा, अपन एनएन तो मालूम है, एनएन क्या करता है ना, न्यू नोड लेता मैलॉक से, और रूट और टेम की देखेंगे जरूरत क्या। रूट क्या का पॉइंट करता है, ठीक है। तो अभी रूट, अभी रूट नल है, रूट क्या है अभी? नल है, नल। तो आपके उसमें क्या है, तो अभी आपका रूट नल है, मतलब कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा हूं, कहीं भी पॉइंट। हाँ, मैंने अभी पेंट खोला है, मैंने अभी ठीक है। तो अभी आपके रूट, रूट कहाँ पॉइंट कर रहा है अभी? नल पर, नल, ठीक है। इसका नाम रूट है और ये पॉइंट कर रहा है नल पे, ठीक है। वो नंबर्स क्या थे अमान, नंबर्स बोलो वापस मेरे को। 10, हाँ बोल, जल्दी बोल। 10, 10, 7, 8, 4, 7, 10, 7, 8, 4, 15, 3, 9, 3, 6, 9, ये नंबर है ना, क्रॉस चेक कर। सर 15, 3, 6, 9, हाँ सही है सर, सही है ना, एकदम सही, ठीक है। तो अभी रूट का पॉइंट कर रहा अभी नल पर, नल पे, ठीक है। तो कैनवस बड़ा कर देते हैं अपन, ताकि अपने को अच्छे से ड्रॉ करने को मिले। तो अभी रूट में नल है, ठीक है। ओके, प्रोग्राम फॉर बाइनरी सर्च, ठीक है। माइनस सच आया, उसका मेनू दिख रहा है अपने को, वन क्रिएट, टू ट्रैवर्सल, और थ्री जो है वो एग्जिट है, ठीक है। फिर आपने चॉइस एंटर किया वन, क्या चॉइस एंटर किया आपने? हेलो, यस वन, वन, तो वन में आएगा वो, केस वन में आएगा, और क्या करेगा अभी? गेट स्ट्रक बीएसटी, क्या कॉल किया अपन ने? तो क्या फंक्शन कॉल हुआ? हेलो सर, गेट स्ट्रक बीएसटी हुआ, तो वो उसमें जाएगा डायरेक्टली, किसमें जाएगा? नीचे, वो नीचे फंक्शन है, वो दिख रहा है, ये मेन क्लोज हो गया, ये क्या क्लोज हो गया? मेन। सर एक क्वेश्चन है, हाँ सर, डू व्हाइल अपन कब यूज करते सर? डू व्हाइल मेनू ड्रिवन के लिए करते, मेनू ड्रिवन के लिए, कि एक बार तो अंदर आएगा कंपलसरी, तो सारे मेनू ड्रिवन, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम अक्सर डू व्हाइल रहते हैं, ठीक है। तो वो अभी इसमें आ गया, तो अभी नीचे आ गया वो इसमें, ये फंक्शन में आ गया, ठीक है, गेट बीएसटी में। तो क्या किया अपन ने, स्ट्रक नोड स्टार्ट टेम बनाए, मैलॉक से नोड लिए, ठीक है। तो टेम पॉइंट कर रहा है 1000 को, टेम का पॉइंट कर रहा है, आपकी आवाज क्रैक हो रही सर। हाँ, डेटा का इश्यू बचते हुआ था ना मैं तुझे। तो अभी अपन ने क्या करे, टेम्प बनाए, टेम्प को पॉइंट किया 1000, टेम्प का पॉइंट कर रहा है, तो अभी टेम्प अपन ने बनाया, टेम्प का पॉइंट कर रहा 1000 पे। अब यहां पर एक नोड आएगा, अब यहां पर एक नोड आएगा, तो उसका ये लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर और ये नल, ये उसका डेटा पार्ट।
तो ऐसा ये नोड है, उसका नाम क्या है टेम्प, उसका एड्रेस क्या है 1000, रूट में क्या है नल यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करने का है अपने को, ये इसने टेम्प दे दिया, अब क्या बोल रहा है टेम्प के लेफ्ट में भी नल राइट में भी नल, तो टेम्प के लेफ्ट में भी नल और राइट में भी नल, और रिटर्न द टेम्प, रिटर्न द टेम्प, तो टेम्प रिटर्न कर देगा वो, तो जहां से आया था वहां रिटर्न कर देगा। तो ये फंक्शन कहां से कॉल हुआ था, ये फंक्शन कॉल हुआ था यहां से, तो उसने टेम्प रिटर्न किया, टेम्प किसमें आ गया अभी एनएन में, तो अभी टेम्प को रिप्लेस कौन कर रहा है, तो हर इटरेशन में ये होगा, टेम्प को कौन रिप्लेस करेगा अभी, टेम को रिप्लेस करेगा एनएन, साइड कैपिटल, तो अभी टेम्प को रिप्लेस करेगा एनएन, तो हमेशा ये होता रहेगा एक्सरसाइज, हमेशा टेम्प को एनएन रिप्लेस करता रहेगा, तो टेम्प कट गया अभी और अभी उसके जगह आ गया एनएन, तो एनएन का पॉइंट कर रहा है 1000 पे, ठीक है। अभी एंटर द एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या एंटर करेंगे अपन, फर्स्ट 10, तो 10 आ गया, तो 10 कहां गया एनएन के डेटा में, तो एनएन का पॉइंट कर रहा है 1000 पे, तो डेटा में आ गया। ओके, रूट नल है क्या, हाँ रूट नल है, तो क्या कर देगा एनएन को रूट को पॉइंट कराना, तो फर्स्ट नोड मिल गया अपने को, अपने को अपना फर्स्ट नोड मिल गया, फर्स्ट नोड मिल गया अपने को, अपने को अपना फर्स्ट नोड मिल गया, ये रूट है ना अपना, ये रूट था, तो क्या करा उसने, जो रूट है उसमें से नल निकाल देगा, तो क्या डाल देगा उसके अंदर, अभी रूट क्या हो गया 1000 हो गया, तो रूट अभी इस, ये नोड अपना रूट है, ये नोड अपना रूट है, ओके ठीक है। फिर इफ में गया तो एल्स में नहीं जाएगा, फिर डू यू वांट टू एंटर मोर एलिमेंट्स, यस उन वन एंटर करेंगे, क्योंकि अपने पास एलिमेंट्स बहुत सारे हैं अभी, तो एंटर करेंगे वन, वन जाएगा आंसर में, आपका आंसर वन है क्या, यस ऊपर जाएगा वापस, वापस क्या कॉल होगा गेट बी एस टी, अब वो फिर से नीचे जाएंगे, गेट बी एस टी क्या करेगा, मेलॉक से एक नया नोड लेगा और लेफ्ट राइट नल कर देगा, क्या करेगा, पर अभी अपने मालूम है कि सेवन है, तो सेवन कहाँ आने वाला है टेन के लेफ्ट में, तो मुझे पहले से मालूम है, तो अकॉर्डिंगली मैं प्लेस कर दूंगा उसको डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये अपना चलता रहेगा, इसको और थोड़ा कम कर सकते, ये बहुत ज़्यादा हाइट ले रहा है, बस इतना कर सकते, इतना काफ़ी है, इसको ऊपर डाल देंगे ताकि इतनी स्पेस मिलेगी अपने। तो अभी मुझे मालूम है कि अगला नंबर सेवन है वो लेफ्ट में जाएगा, तो मैं नोड वहाँ बना दूंगा डायग्राम सेक के लिए, ठीक है। तो अभी टेम्प को मेमोरी कहाँ मिली, तो टेम्प को मेमोरी मिली 2000 पे, 2000 पे कौन पॉइंट कर रहा है टेम्प, टेम्प का पॉइंट कर रहा है अभी 2000 पे, और चूंकि ये नोड है तो इसका तीन पार्ट होंगे उसके, डेटा लेफ्ट और राइट, डेटा लेफ्ट और राइट, और क्या कर रहा है ये लेफ्ट में नल राइट में नल, लेफ्ट में नल और राइट में भी नल, और रिटर्न कर रहा है टेम्प को, टेम्प को रिटर्न कर रहा है, टेम्प का जाएगा फिर ऊपर जाके, ये टेम्प किस टाइप का है, टेम्प किस टाइप का है स्ट्रक नोड बीएसटी स्टार का, वो किस में जाएगा ऊपर, एलएचएस में क्या है एनएन, एनएन भी किस टाइप का है स्ट्रक नोड बीएसटी टाइप का, तो सेम इंटीजर विल गो इन इंटीजर, फ्लोट विल गो इन फ्लोट, एंड पॉइंटर शुड गो इन द सेम टाइप, तो एनएन में आ गया। अभी क्या होगा वापस, क्या करना है अपने को, इसको स्लैश मारना है और यहाँ पर क्या लिखना है, ये सो कौन कौन पॉइंट कर रहा है उसको, एनएन पॉइंट कर रहा है, ओके इसको एनएन पॉइंट कर रहा है अभी, तो इधर आ गया एनएन में,
एंटर डेटा फॉर द नोड, डेटा क्या है उसका 7 है, डेटा क्या है 7, यहां पर क्या जाएगा इसमें 7 जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, रूट नल है क्या, रूट नल है नहीं है, इफ में नहीं जाएगा तो एल्स में जाएगा। अभी अभी क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करना है, तो अभी ये जो 7 आया है नया नोड, उसको अपने को ट्री में इंसर्ट करना है, अटैच करना है। तो वो अटैचमेंट जो है, जो लाइन आती है ना अटैच करने की लाइन, जो ये लाइन आएंगी, इस लाइन को बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन। तो अगर मैं अलग अलग कर दूं ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन इज योर इंसर्ट फंक्शन। तो अभी क्या करना है अपने को, दोनों नोड को आपस में ज्वाइन करना है। तो इंसर्ट कॉल हुआ, तो इंसर्ट करते हुए क्या पास किया, रूट पास किया और एनएन पास किया, ये सबसे मेन पार्ट है, रूट पास किया और एनएन पास किया। तो रूट का एड्रेस क्या है, तो अभी जब फर्स्ट टाइम ये इंसर्ट बार बार कॉल होगा ना, क्योंकि ये जितने नंबर है 7 है, 15 है, 8 पे भी इंसर्ट कॉल होगा, क्योंकि हर जगह पे इंसर्ट हो रहा है, लाइन हर जगह पे जा रही है, तो बार बार कॉल होने वाला ही है। तो ये फंक्शन मल्टीपल टाइम्स कॉल होगा, मल्टीपल अलग अलग आर्ग्यूमेंट से। तो फर्स्ट टाइम जब कॉल हुआ है, देखते हैं, तो अपन क्या करते हैं, अभी इंसर्ट कौन से नंबर के लिए, अभी इंसर्ट कॉल हो रहा है कौन से नंबर इंसर्ट करने को, 7 इंसर्ट करने के लिए। तो 7 को जब इंसर्ट कर रहे हैं, तो 7 को जब इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट जब कॉल हो रहा है, तो क्या पास कर रहे हैं अपन, रूट और एनएन। रूट में क्या है 1000, तो इंसर्ट कॉल हो रहा है 1000 से, और एनएन में क्या है 2000, तो किससे कॉल हो रहा है 1000 से और 2000 से, याद रखना इसको। जब 7 हम इंसर्ट कर रहे थे, तो इंसर्ट फंक्शन कॉल हुआ रूट और एनएन से, तो इसका ये सिंटैक्स फिक्स है, रूट कॉमा एनएन। तो अभी रूट कौन है 1000 और एनएन में है 2000, तो इंसर्ट में जाएंगे, अभी नीचे इंसर्ट होगा, ओके। तो रूट किस में आ गया, स्टार रूट, एनएन किस में आ गया, स्टार एनएन, दोनों भी सेम टाइप के, ओके। अब क्या करना है अपने को, एनएन का डेटा रूट के डेटा से कम है क्या, कि अगर कम है तो लेफ्ट में, बड़ा है तो राइट में। तो एनएन का डेटा क्या है 7, यहां आ गया 7, इस 7 लेस देन रूट का डेटा कितना है 10, ट्रू और फॉल्स, तो ये हो गया ट्रू। तो ट्रू मतलब इफ के अंदर जाएगा, ओके। रूट का लेफ्ट नल है क्या, रूट 1000 का लेफ्ट में नल है, नल अगर है तो अटैच कर देने का, यस, रूट का लेफ्ट नल है ना, तो क्या करो, रूट के लेफ्ट में एनएन डाल दो, क्या डाल दो, रूट के लेफ्ट में एनएन डाल दो। तो रूट के लेफ्ट में क्या डाल दो, एनएन, एनएन में क्या है 2000, तो किधर क्या आ गया, इधर आ गया 2000, तो ये इससे लिंक हो गया, क्या हो गया, ये इससे इधर लिंक हो गया, अंडरस्टूड, ये उससे ऐसा लिंक हो गया, ओके, ये ऐसा लिंक हो गया। इफ में गया तो एल्स में नहीं जाएगा, और इस इफ में गया तो इस एल्स, इस 7 ग्रेटर देन 10, तो ये इफ है ना, इसका एल्स है वो, बस सिंपल। तो इस इफ में जाएगा ही नहीं, और फंक्शन खत्म हो गया, और हमारा इंसर्ट हो गया, क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, इंसर्ट हो गया। Do you want to continue? Yes, 1. अपने 1 एंटर किया, आंसर 1 में गया, तो इसका वाइल, इसका डू किधर है, इसका डू इधर है, तो वापस क्या बोलेगा, क्या नया कॉल करेगा, गेट नोड। नेक्स्ट नंबर क्या है अपना, 8 है, तो मालूम है 8 इधर आने वाला है, तो गेट बीएसटी क्या करेगा, गेट बीएसटी यहाँ जाएगा, नया नोड निकालेगा, नया नोड निकाल दिया, तीन हिस्से कर देगा उसके, उसके तीन हिस्से कर देगा, डेटा लेफ्ट राइट,
ठीक है, तो नोड निकाला और लेफ्ट राइट में नल कर देगा, लेफ्ट राइट में क्या कर देगा वो, लेफ्ट और राइट में क्या डाल देगा, नल। तो उसको कौन पॉइंट कर रहा है, उसको टेम्प पॉइंट कर रहा है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, टेम्प पॉइंट कर रहा है, टेम्प कहाँ पॉइंट कर रहा है, 3000 पे। फिर क्या कर देंगे, रिटर्न द टेम्प, टेम्प रिटर्न कर देंगे, टेम्प किस में जाएगा, टेम्प जाएगा एनएन में। तो अभी क्या करना है अपने को, टेम्प को कट करना है और क्या लिखना है इधर, क्योंकि टेम्प एनएन में आ गया, ठीक है, टेम्प आ गया एनएन में, ओके। एंटर डेटा फॉर द नोड, डेटा क्या है, 8 है, तो डेटा क्या हो जाएगा, 8। अब देखो फन इज रूट नल, नहीं है तो एल्स में जाएगा, और क्या करेगा अभी, इंसर्ट कॉल करेगा रूट और एनएन से। तो अभी रूट में क्या है, तो अभी जब 8 इंसर्ट हो रहा था, देखना अभी जब 8 इंसर्ट हो रहा है, जब 8 इंसर्ट हो रहा है तो अभी इंसर्ट किससे कॉल हो रहा है, याद रखना इंसर्ट किससे कॉल हो रहा है, रूट और एनएन से, किससे, रूट और एनएन। तो रूट में क्या है 1000, एनएन में अभी क्या है 3000, तो किससे कॉल हो रहा है, रूट से, और तो रूट में है 1000, एनएन में है 3000, ठीक है। तो वापस अभी इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है, ये तो हो गया, पहले वाला खत्म हो गया ये, ओके। अब आप बताओ एनएन के डेटा में क्या है, 8 लेस देन 10, रूट के डेटा में 10 है ना, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, तो इसमें जाएगा। रूट के लेफ्ट नल है क्या, रूट का लेफ्ट कितना है, रूट का लेफ्ट, रूट का पॉइंट करता 1000 पे ना, उसका लेफ्ट नल है क्या, नल नहीं है, तो फिर एल्स में जाएगा। तो किसमें जाएगा अभी वो, क्योंकि जब नल है तभी ऐड करते हैं अपन, अगर नल नहीं है तो नेक्स्ट पे जाते, तो नल क्योंकि ये तो इसका तो लेफ्ट ऑलरेडी बुक्ड है, तो अभी इसके लेफ्ट में जाएंगे। तो क्या करेगा वो, अभी वापस क्या कॉल हो रहा है, रिकर्सिवली, इसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विद अ डिफरेंट वैल्यू। तो वापस क्या कॉल कर रहा है वो, इंसर्ट कॉल कर रहा है अभी किससे, रूट के लेफ्ट से, तो रूट का लेफ्ट क्या है 2000, तो अभी क्या हो रहा है, इंसर्ट कॉल, अभी इंसर्ट कॉल हो रहा है रूट के लेफ्ट से, तो रूट का लेफ्ट कितना है 2000, तो अभी 2000, और एनएन में क्या है 3000, तो अभी रिकर्सिवली कॉल हुआ, तो अभी 2000 किसमें गया, रूट, ये रूट किसके वेरिएबल है, ये इंसर्ट फंक्शन के वेरिएबल है, ये अपने इंसर्ट फंक्शन के वेरिएबल है ये, रूट और एनएन। तो अभी 2000 किसमें गया, रूट में, और 1000 किसमें गया, ये रूट को चेंज नहीं कर रहे अपन, ये तो मेन का है, तो अभी जो रूट है वो क्या हो गया 2000, और अभी एनएन क्या हो गया 3000। अब बोलेगा एनएन का डेटा क्या है, 8 है, और रूट का डेटा कितना है, अभी रूट क्या है अभी सेकंड कॉल में 2000, ये समझने की बहुत जरूरत है आपको। तो अभी ये अपना उस फंक्शन के लिए, उस फंक्शन के लिए अभी ये अपना रूट है, क्योंकि अपन ने इंसर्ट कॉल किए हुए उससे, तो रूट एनएन का डेटा कितना है, 8 है, अभी रूट क्या है 2000, उसका डेटा कितना है 7 है, तो इज 8 लेस देन 7, ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स आया, तो वो एल्स में जाएगा, किस में जाएगा, तो ये इस इफ में जाएगा नहीं, इस पूरे इफ, पूरे इफ में जाएगा नहीं, फिर यहां जाएगा वो, तो इज 8 ग्रेटर देन 7, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू, यस। तो रूट का राइट नल है क्या, तो ये अब रूट है ना अपना, अभी रूट क्या है 2000, उसका राइट नल है क्या, हाँ है, ट्रू आ गया इधर, क्या आ गया इधर, ट्रू, तो फिर रूट के राइट में इनको डाल देंगे, रूट के राइट में, तो ये क्या करेगा, ये निकल जाएगा इधर, और यहाँ पर एनएन डाल देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा 3000, और ये इससे जुड़ जाएगा ऐसा।
इंसर्ट हो गया ये, तो ये इफ में गया तो एल्स में जाएगा नहीं, खत्म फंक्शन, फंक्शन खत्म, वापस वहां आएगा जहां से ये कॉल हुआ था, कहां से कॉल हुआ था, ये यहां से कॉल हुआ था, फिर वी वांट टू एंटर मोर एलिमेंट, यस वन फॉर यस जीरो फॉर नो, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है अपना फोर है, तो अपन वन एंटर करेंगे और फोर, अब फोर कहां आएगा सेवन के लेफ्ट में, इधर आएगा, ठीक है, तो पहले ही अपन उसको ड्रॉ कर देते इधर, फोर इधर आने वाला है, तो ये कौन निकालेगा, गेट बीएसटी निकालेगा, ठीक है, और इसको पहले कौन पॉइंट करेगा गेट बीएसटी में, टेम पॉइंट करेगा उसको, कितना 4000, और टेम क्या कर देगा इसके मेलॉक से तीन पार्टीशन कर देगा और क्या कर देगा लेफ्ट और राइट में क्या डाल देगा, नल, ठीक है, और उसको फिर रिटर्न कर देगा, रिटर्न करके ये टेम किसने आएगा, टेम की जगह पे कौन आ जाएगा, ये एनएन आ जाएगा, ठीक है, फिर एनएन क्या करेगा डेटा ले लेगा, डेटा क्या है नेक्स्ट फोर, ठीक है, अब अपने को वापस इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा, डेटा आ गया रूट ना ले गया नहीं, तो क्या होगा इंसर्ट कॉल करो किससे, रूट और एनएन से, तो जब हम लोग फोर इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट किससे कॉल होगा, अभी इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा किससे, रूट, रूट क्या है 1000 और एनएन कितना है 4000, ठीक है, तो अभी ये इस लेफ्ट में है, तो वापस अपन देखेंगे तो वापस इंसर्ट कॉल होगा रिकर्सिवली, वापस इंसर्ट कॉल होने वाला है किससे, इस पे आएगा ना वो जिससे, देखो फोर, तो फोर चेक करेंगे पहले टेन से, तो फोर चेक कर रहे हैं पहले टेन से, फिर वो लेफ्ट में जाएगा तो किसे चेक करेंगे, तो अभी वापस कॉल किससे होगा 2000 से और 4000 से, तो ये, और फिर उसका लेफ्ट नल है क्या तो अटैच कर दो, तो अभी पहला क्या कॉल कर रहे हैं इंसर्ट, तो रूट क्या है 1000, एनएन क्या है 4000, ठीक है, तो अभी इंसर्ट, तो रूट क्या है और एनएन क्या है, तो रूट का डेटा कितना है, पहले एनएन का डेटा 4 है, रूट का कितना है 10 है, तो इज 4 लेस देन 10, यस ट्रू, अंदर आएगा, रूट के लेफ्ट में नल है क्या, रूट का लेफ्ट में नल है क्या, नहीं है, तो एल्स में जाएगा, क्या करेगा वापस इंसर्ट कॉल करो किससे, अभी आपका रूट का लेफ्ट और एनएन से, तो रूट का लेफ्ट कितना है 2000 और एनएन कितना है 4000, देखो 2000 से और 4000 वापस कॉल हुआ, तो 2000 किसमें गया रूट में, तो रूट में क्या गया 2000 और एनएन तो अपना 4000 है, ओके, अब व्हाट इज एनएन का डेटा 4, इज इट लेस देन, व्हाट इज एनएन का डेटा 4, रूट का डेटा कितना है 2007, इज 4 लेस देन 7, यस ट्रू, रूट का लेफ्ट नल है क्या, रूट का लेफ्ट नल है, हाँ है, तो क्या करो रूट के लेफ्ट में एनएन डाल दो, रूट के लेफ्ट में क्या डाल दो एनएन डाल दो, तो ये कट हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 4000, तो ये इससे जुड़ जाएगा, ऐसा आ रहा समझ में कैसे रिकर्सिवली कॉल हो रहा, नेक्स्ट नंबर क्या है 15, नेक्स्ट नंबर क्या है, तो 15 आयनों के कहां जाएगा, इधर जाएगा, तो गेट बीएसटी मुझे क्या करके दे देगा, गेट बीएसटी नोड निकलवा देगा, तो अभी गेट बीएसटी ने क्या करा, पहले टेम्प बनाया, टेम्प ने मैलॉक किया, मैलॉक ने उसको एड्रेस दे दिया 5000, और टेम्प गेट बीएसटी ने क्या किया, लेफ्ट में नल डाल दिया और राइट में नल डाल दिया, ठीक है, और उसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न करके वो किस में आ गया, एनएन में आ गया, ठीक है, तो ये अभी टेम्प जो था वो एनएन बन गया, ठीक है, एनएन ने क्या किया, सबसे पहले डेटा लिया, डेटा डाल दिया उसके डेटा पार्ट में 15 में, तो यहां तक अपन आ गए, ठीक है, वहां से रिटर्न हुआ और उसने यहां तक डाल दिया, ठीक है, अब यहां से समझ इंटरेस्टिंग है, इज रूट नल, रूट नल नहीं, रूट नल है क्या, रूट नल नहीं है, ठीक है, तो
नहीं, रूट नल नहीं है, ठीक है, तो किस में जाएगा वो, एल्स में जाएगा, इंसर्ट कॉल करेगा किससे, रूट से और एन एन से, तो अभी रूट क्या है 1000, तो अभी जब हम लोग 15 इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट किससे कॉल होगा, इंसर्ट कॉल होगा रूट कितना है 1000 और एन एन कितना है 5000, तो अभी इंसर्ट कॉल हुआ रूट से एन एन से, तो इंसर्ट में गए तो रूट में क्या आ गया 1000 और इसमें क्या आ गया 5000, अब एन एन का डेटा कितना है 15, रूट का डेटा कितना है 10, 15 लेस देन 10 नो, तो इस इफ में जाएगा ही नहीं, तो ये पूरा इफ छोड़ दो, अभी एन एन में कितना है डेटा 15, रूट में कितना है 10, 15 ग्रेटर देन 10 यस इसमें जाएगा, रूट का राइट नल है क्या, रूट का राइट यस अभी भी नल दिखा रहा है, रूट का राइट नल है, हाँ यस रूट का राइट नल है, ट्रू है, क्या करो रूट के राइट में एन डाल दो, रूट के राइट में क्या डाल दो, एन एन डाल दो, एन एन कितना है अभी 5000, तो यहाँ क्या चला जाएगा 5000 चला जाएगा, ऐसा है तो ये इससे जुड़ जाएगा, ऐसा सिमिलरली ऐसा अपना ट्री बनता चला जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं रिकर्सिव ट्रैवर्सल पे, किस पे आते हैं, तो जब हमने शुरू में डिस्कस किया था कि किस टाइप के वो ट्रैवर्सल्स है, राइट, तो प्री ऑर्डर क्या है डेटा लेफ्ट राइट, इन ऑर्डर क्या है लेफ्ट डेटा राइट, और पोस्ट ऑर्डर क्या है लेफ्ट राइट डेटा, तो इसमें जो मेन प्रिंटिंग वाला पार्ट है वो डेटा है, लेफ्ट और राइट तो पॉइंटर्स है, तो ये सब सिंपल रिकर्सिव फंक्शन है, सिंपल क्या है रिकर्सिव फंक्शन है, तो अगर आपको और कंटिन्यू नहीं करना है आप जीरो डालेंगे, जीरो वाइल टूट जाएगा ब्रेक हो जाएगा, ओके रिकर्सिव फंक्शन करना है आपको, अगर आपका रूट नल है तो ट्री डिस्प्ले होगा नहीं, शुरू में जब अपन ट्री बना रहे थे तो रूट में नल था, तो अगर नल ट्री को डिस्प्ले करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो वो डाल दिया गया रूट नल है तो ट्री इज नॉट क्रिएटेड, एल्स इन ऑर्डर डिस्प्ले करना है तो इन ऑर्डर फंक्शन कॉल करो रूट पास करो, तो क्या कॉल होगा इन ऑर्डर पास होगा कौन से वैल्यू से, तो इन ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा किस वैल्यू से 1000 से, अगर आपको डिस्प्ले करना है प्री ऑर्डर में तो प्री ऑर्डर कॉल करो रूट से, तो क्या होगा प्री ऑर्डर कॉल होगा कौन से वैल्यू से 1000 से, और अगर आपको पोस्ट ऑर्डर डिस्प्ले करना है तो क्या कॉल करो पोस्ट ऑर्डर कॉल करो 1000 से, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वन, तो इन ऑर्डर कॉल किया मैंने, तो इन ऑर्डर में क्या है जब तक नल नहीं मिलता, जैसे अपना लिंक लिस्ट बनेगा ना जब तक टेम्प, तो वो जो रूट है वो किस में आ गया टेम्प में आ गया, फंक्शन के लिए ये फंक्शन का वेरिएबल था वो मेन का वेरिएबल था टेम्प में आ गया, ठीक है। अब इन ऑर्डर क्या था, इन ऑर्डर क्या है लेफ्ट डेटा राइट, डेटा बीच में ना हम लेफ्ट राइट लिखते ही थे दोनों सब तीनों में, लेफ्ट राइट तीनों में लिखते थे, लेफ्ट राइट तीनों में, इन मतलब बीच में, तो इन बिटवीन बोलते ना, इन बिटवीन डोंट सिट इन बिटवीन मतलब बीच में बैठो, प्री मतलब प्री पेड पहले पे करो फिर यूज करो डेटा पहले, और पोस्ट क्या था पोस्ट पेड डेटा एंड में, लेफ्ट राइट तो था ही सब में, सिर्फ डेटा कहाँ आने का वो देखना है, और ये दोनों पॉइंटर्स है लेफ्ट और राइट पॉइंटर है डेटा डिस्प्ले करना है, डेटा डिस्प्ले करना है लेफ्ट राइट पॉइंटर है, लेफ्ट राइट पॉइंटर है डेटा डिस्प्ले करना है, तो इन ऑर्डर में क्या हो रहा है सिंपल, पहले इन ऑर्डर कॉल किया तो इन ऑर्डर में देखो जहां पॉइंटर है वहां कॉल करना है, तो इन ऑर्डर में लेफ्ट पहले पॉइंटर है तो पॉइंटर से पहले वापस इन ऑर्डर कॉल किया लेफ्ट से, तो देखो लेफ्ट डेटा डिस्प्ले करने का, डेटा क्या करने का
डिस्प्ले करने का कॉमा देके, और वापस इन ऑर्डर कॉल किया किससे, राइट से। पोस्ट ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में क्या होगा, पहले डेटा डिस्प्ले करेंगे फिर लेफ्ट और राइट को कॉल करेंगे। अगर प्री ऑर्डर है बाद में, हाँ तो पहले प्री ऑर्डर है, सेम थिंग, टेम नॉट इक्वल टू नल, तो डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ है, क्या है, प्रिंट एफ है, तो पहले प्रिंट एफ करेंगे और फिर प्री ऑर्डर कॉल करेंगे लेफ्ट और राइट से। और पोस्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा बोलो, पोस्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, पहले लेफ्ट कॉल करेंगे फिर राइट कॉल करेंगे फिर डेटा डिस्प्ले करेंगे, तो पहले लेफ्ट कॉल करेंगे राइट कॉल करेंगे डेटा डिस्प्ले करेंगे, बस प्रोग्राम खत्म। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम था बीएसटी क्रिएट करने का और उसको ट्रैवर्स भी करने का, पूरा स्टार्ट टू एंड ऐसा बस। तो केस टू में ये ट्रैवर्सल्स थे और केस थ्री में एग्जिट जीरो है, फिनिश।